I hope I am clearly audible to all of you and I welcome you all to this very interesting session once again. Web of Harsh, Pooja, Salesh, Julie Deprata, Ambar, Darshan, Harsh, Anrud, Das, Julie, everyone. So, okay, perfect. I hope you are all doing fine. Hind to all of you. And this particular session.

एंड दैट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ ऑल द सेन ऑफ ग्रेटर प्री रेक्ट यही होती है हमारी अच्छा नाउ फर्स्टली आई टेल यू द फॉर्मेट ऑफ द सेशन मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि फॉर्मेट कैसा रहने वाला है फॉर्मेट बड़ा सिंपल रहने वाला है कि हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन को उसी तरह से करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक फाइन सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट एवरी वन आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन चलिए First of all, make sure you're liking and sharing the session. That's one thing. You have to join the defense exam prep in case you want to join other people who are preparing for the same examination. jaise who are preparing for the same examinations. You can definitely join this particular group. And of course, you can be one of those achievers of the CDS exam. Anyways, so I'll come to that. Absolutely, that Don't worry. Don't worry. I can assure you of that particular thing. मेंटी क्विज भी जल्दी लेकर आएंगे मेंटी क्विज भी जल्दी लेकर आएंगे दैट्स दैट इट इज, एनीवेज, द ट्राइबल यूनिट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी वॉज इनागोरेटिड विच ऑ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया जो ट्राइबल यूनिट है बेसिकली उसको कहाँ पे लेकर आया गया है ये आपसे एक सिंपल सवाल है जो आपको बताना है बताइएगा

ना बाई एग्जैक्टली इट इज इट सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज हमने क्या देखा इट इज बेसिकली इन पुणे दैट वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग आंसर क्या होगा आई एम गिविंग द सोल्यूशन एज वेल इट इज पुणे पुणे में वी हैव गॉट अ तहसील नोन एज अम्बेगा सो बाई वी सो वन थिंग की यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया एंड इट वुड प्रोवाइड फ्री क्लिनिकल सर्विस टू द ट्राइबल पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन को फ्री सर्विसज मिलेंगे यहाँ पे ट्राइबल हेल्थ के ऊपर ही काम करेगा एंड द रिसर्च यूनिट एंड ट्रैवल प्रैक्टिस जो है हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा टू मे पुणे तो आपको एक चीज़ समझनी होगी यहाँ पे कि इन दीज क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई समैक्चुअल नॉलेज डेफिनेटली वो तो बहुत जरूरी ही है क्या नाउ आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर द नेक्स्ट पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा आई जूमिट फॉर यू एवरी वन विच कंट्री कमिटेड अ सम ऑफ राउंड टू मिलियन डॉलर्स टू इंडिया टू सपोर्ट इन फॉर्मल सेक्टर वर्कर एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस आप जानते हैं इंडियन इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर मेजोरिटी पीपल आर इन्वॉल्व इन इनफॉर्मल सेक्टर बहुत से लोग कहां पर इनफॉर्मल सेक्टर में ही तो हैं तो आपको बताना है वॉट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर शान जूमिंग किड फॉर यू अभी जूमआउट कर रहा हूं बताइए क्या होगा सही जवाब जापान फ्रांस यूएसए और यूके बताइए कौन सी कंट्री है वेरी गुड शिवेंद्र त्रिपाठी हु एल्स नो द आंसर देखिए जापान आपको लगेगा पर जापान नहीं है सही जापान इज़ नॉट द राइट आंसर नो जापान इज नॉट द राइट आंसर वेरी गुड सो लॉट ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी सी सी फॉर कैट एंड सी इज़ फॉर यू एस ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस जो है उसने हमें ये कमिट किया है पैसा क्यों किया है बेसिकली देखो यूएस को भी पता है कि कोविड की वजह से इन्फॉर्मल सेक्टर को बहुत घाटा हो गया इन्फॉर्मल सेक्टर क्या है इन्फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे प्रॉपर पीएफ नहीं होती जहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती एम्प्लॉज की इम्प्लॉयज़ बहुत सफ़र करते हैं दैट इज़ बेसिकली द इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर की हम जब भी बात करेंगे वहां पे यूएस हमेशा इंडिया के लिए खड़ा रहता है यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं बट यू हैव टू कीप इन द माइंड आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी ही है कि किस तरह से हम यहाँ पे आंसर तक पहुंचते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट यू सर्टली हैव टू अंडरस्टैंड देम इन प्रॉपर पर्स्पेक्टिव ठीक है तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ देखो इंडिया के हम लोग जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसी के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए देखिएगा एवरी वन कैन यू सी द क्वेश्चन प्लीज विथ द फॉलोइंग विल बिल्ड नेक्स्ट जेन साइबर सिक्योरिटी डिफेंस सेंटर इन मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे आपको ये बताना है उसके कंटेक्स में बताना है सो बताइएगा ज़रा वॉट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इट्स अ वेरी सिंपल वन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई होप यू कैन सी नाउ सबको दिख रहा है क्वेश्चन विदिंग जिन साइबर सिक्योरिटी डिफेंस सेंटर इन मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया विप्रो इन्फोसिस टी सी एस एच सी एल टेक महिंद्रा पांच ऑप्शन हैं आपको एक ऑप्शन को चूज करना है बताइए क्या होगा सही जवाब क्या होगा सही जवाब यहां पर सिंपल सी बात है तो ये सब इंडियन आई टी कंपनीज हैं आप सब जानते हैं ना आई टी कंपनीज को आएम श्योर आपने इनके बारे में सुना भी होगा तो क्या होगा सही जवाब ए इज द राइट आंसर विप्रो अब विप्रो सही जवाब है दैट्स फाइन इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अब आप मुझे बताएंगे विप्रो का जो हेड है उनका नाम क्या है विप्रो कंपनी कौन मुझे बताएगा बताइए हु इज़ द फाउंडर ऑफ विप्रो हु इज़ द फाउंडर ऑफ विप्रो बताइए हाशम प्रेम जी सो so, प्रेम जी फैमिली है प्रेम जी फैमिली अजीम प्रेम जी अभी उसको हैड कर रहे हैं प्रेम जी फैमिली तो so, प्रेम जी फैमिली इज द फाउंडर ऑफ विप्रो यू शुड नो दैट थिंग याद रखेगा विप्रो ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी जो सेंटर है हम लोग मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में लेकर आ रहे हैं वन थिंग एट द सेम टाइम इससे होगा क्या जो उनके एम्प्लॉयज है उनकी स्किल्स डेवलपमेंट होगी बहुत ज्यादा एंड एट द सेम टाइम इट विल जनरेट मोर देन हंड्रेड जॉब्स इन द मेलबॉर्न तो वो एक बहुत बड़ी बात है तो यहाँ पे विप्रो जो है वो काफ़ी काम कर रही है और वैसे भी साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टनली साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें देखने को मिलता है तो कुल मिला के देखो बात सिर्फ इतनी है कि हमें इन चीज़ों को हमेशा बहुत ध्यान से देखना पड़ता है बिकॉज ओनली देन आवर ओवरऑल नॉलेज गेट्स अ बूस्ट हमारी जो नॉलेज है उसको बूस्ट तभी मिलेगा जब हम लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं टिल द टाइम वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम अ प्रॉपर पर्स्पेक्टिव वी आर सर्टनली गोइंग टू बी एट लॉस वो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे हम लोग चाहेंगे कि सारी नई नई जो चीज़ें हम लोग सीखते रहे आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू एवरी ठीक है सो so, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड दैम प्रॉपरली इज अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी एनी डाउट यू हैव यू कैन स्टे आस्क मी ओवर है कोई भी अगर आप में डाउट है तो पूछ सकते हैं बिकॉज ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं एंड दीज आर द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस विच विल बी आस इन द एग्जाम यूनि सब्सिक्वेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे हम लोगों को फाइन बिल्कुल 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 एब्सल्यूटली नेक्स्ट वन इज दिन ऑथर द बुक ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट एक किताब है बड़ी फेमस किताब है अभी रिसेंटली वो आई है दिस इज द बुक ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट बताइएगा शशि थरूर जैसे एरोन जगदीप ढंकार अन्दृति रॉय और उमिला सो दिस इज़ अ बुक विच हैज़ बिन मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस रिसेंटली काफ़ी हेडलाइंस में रही है ये किताब तो आपको ये बताना होगा आंसर कमेंट करिए और आंसर बताइए एवरी वन आई ऑल्सो शो यू हाउ दिस बुक लुक्स लाइक इट्स अ वेरी फाइन बुक इट इज अ वेरी फाइन बुक तो बताएंगे किसने लिखी है आपको एक हिंट दे देता हूँ देखो शशि थरूर डजेंट राइट दिस जॉनर ऑफ बुक्स शशि थरूर का जॉनर थोड़ा सा अलग है तो शशि जरूर जवाब में नहीं है जो लोग भी शशि बोल रहे हैं दे आर टोटली नॉट राइट तो बताइएगा वॉट इज गोइंग टू राइट इट इज मिस्टर दीपक दीपांकर एरोन याद रखिएगा दीपांकर एरोन की बुक है पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ डज इट लुक्स लाइक ये देखिए इट इज बाय दीपांकर एरोन ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा जर्नी टू द ईस्ट ये देखिए यू कैन सी ए मॉन्क एक बुद्ध बुक बुद्धा के जो बुद्धिस्ट बॉन्क भिक्षु हैं वो चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे हैं उनकी किताब है सो यू कैन सी अब हैव अ लुक एट द बुक एट्सन ठीक है दिमाका एरन की बहुत बढ़िया किताब है तो ये आई होप इट इज टू ऑल ऑफ यू तो मैं बताना चाहूँगा ये किताब इतनी अच्छी किताब है इसने काफ़ी कुछ कवर किया है यू नो जैसे वॉन्डरिंग मॉन्क्स होते हैं जो मॉन्क्स भिक्षु चलते रहते हैं दूसरी जगह अलग अलग एथनीसिटी है और द बेस्ट पार्ट इज़ यू शुड नो वन थिंग ऑलवेज कि बुद्धिज्म इंडिया के बहुत क्लोज है वाई बिकॉज बुद्धिज्म वॉज बॉर्न इन इंडिया बॉर्न इन इंडिया भारत में बुद्धिज्म ने क्या लिया जन्म लिया और ये बुद्धिज्म को हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है ये बुद्धिज्म को हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या बनाता है इंपॉर्टेंट बनाता है दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड ऑलवेज गेट इट क्योंकि देखिए बात क्या है क्योंकि यहां पे ये चीज़ें जितनी भी हम लोग कर रहे हैं यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए फाइन इनफैक्ट अगर मैं बुद्धिज़्म के बारे में बताऊं तो आप कभी नोट करना बुद्धिज्म जो है वो ओरिजिनेट होता है यूपी बिहार एरिया में एंड आप कभी भी देखेंगे बुद्धा को तो सिक्स सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी बी में आज से पच्चीस सा साल पहले लगभग बहुत एक्टिव थे सब अच्छा अब ये बताइएगा एक स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है स्लाइन एक्स इज इस कंडक्टेड इंडिया एंड विच आर द फॉलोइंग कंट्री स्लाइन एक्स आप देखिए बौद्ध गया सारनाथ दोनों सही है तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो दोनों कहीं ना कहीं सही है तो मैं दोनों को ही इंक्लूड करना चाहूंगा एनी anyway, वेज ये बताइएगा ज़रा इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं तो बताइए स्पेन श्रीलंका यूएसए सिंगापुर व्हाट्स आ रईट आंसर बहुत बढ़िया स्लाइन एक्सेस श्रीलंका अब देखो कॉमन सेंस क्या बोलता है कॉमन सेंस बोलता है श्री लंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज इसकी फुल फॉर्म अगर आप निकाल के देखोगे ना तो इस तरह से हो जाएगा श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज तो यू डोंट हैव टू क्रैम सच थिंग्स इन चीजों को आप क्रैम मत किया करो ठीक है दैट इज मोर देन अफ क्लियर यहां पे समझ आ गया आपको तो याद रखिएगा ये क्या है तो कंडक्टेड नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट और यहाँ पे हमने देखा है कि अब कोविड नाइन्टीन आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे भी रखी गई अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ देखो भाई ये है इंडिया ये है श्रीलंका और ये जैसे हम लोग कभी भी देखते हैं ना यहाँ पे ये तो चलो पाक स्टेट है यहाँ से एक निकलती स्टेट ऑफ मलक्का ये तो ये स्टेट ऑफ मलक्का वगैरह से शिप्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा तो अगर आपको इंडियन ओशन पे अपना कब्जा बनाना है अगर आपको इंडियन ओशन पे अपने आप को कंट्रोल दिखाना है देन यू सर्टनली हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में आपका दबदबा बने और उसके लिए ये सब एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है बिकॉज इफ़ वी डोंट हैव सच एक्सरसाइज देन सर्टनी इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस वी डोंट वॉन्ट दैट वी नीड टू हैव सच एक्सरसाइजेज ऑन रेगुलर बेसिस ऑन रेगुलर बेसिस फाइन और याद रखिएगा हम लोग काफ़ी ड्रिल्स करते हैं मॉक ड्रिल्स करते रहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया अब याद रखिएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिस इज द वन जो डी है नाउ डी आर डी ओ टेस्ट फायर द नेवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस कहाँ पे मतलब किया गया है ब्रह्मोस के नेवल वर्जन को क्योंकि बात यहाँ पे आ जाती है ब्रह्मोस तो बहुत बढ़िया मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल है साउंड की स्पीड से भी तेज चलती है ब्रह्मोस लेकिन कहाँ पे किया गया है वो है द्वारका चेन्नई कलिंगा कोलकाता या बाइेक बताइए नेवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोज मिसाइल ना ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये भी क्योंकि ब्रह्मोज हमारी इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा नमूना है और ये जब हमने मतलब पूरा इसको किया है चला के देखा है तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप हैरान रह जाएंगे देख के कि ब्रह्मोज की जो स्पीड है इट इज़ फिनोमिनल इट इज़ टू गुड अ स्पीड आई ऑल्सो शो द पिक्चर ऑफ़ द टेस्ट किस तरह से हम लोग टेस्ट करके देखते हैं वो भी मैं दिखाऊँगा आपको वेरी गुड वेरी नाइस ऑल ऑफ़ यूर राइड इट इज़ आई एन एस चेन्नई लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चेन्नई कोई हमारा कमांड नहीं है हमारी एक कमांड बैठती कोची में एक बैठती वाइजैक में एक बैठती है मुंबई में ये तो कमांड हमें तीन ही हैं यहाँ पर फिर भी आई एन एस मद्रास से हमने कर लिया लेकिन अगर मैं नेवी का आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो हमारा क्या है ईस्टर्न कमांड वाइज है वाइजेक सदर्न कमांड है कोची और वेस्टर्न कमांड है मुंबई आई होप यू नो दिस थिंग सबको पता है कि नहीं पता है? तो हमने कहीं ना कहीं चेन्नई से इसको कर तो लिया है लेकिन वैसे हमारी कमांड्स चेन्नई में नहीं बैठी है बोला मेन कमांड चेन्नई में नहीं है इससे तो सुपरसोनिक मिसाइल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो ये देखो कितने बढ़िया लॉन्च करके दिखाया हमने ये देखो ऐसे ये ऐसे गया पूरा प्रोजेक्टल मोशन यहाँ पे हो रहा है साउंड की स्पीड को भी ब्रीच करके जलती है ये साउंड की स्पीड से भी तेज़ है ये एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट ऑफ आवर इंडियन नेवी ठीक है तो ये बात याद रखिएगा शिप से लॉन्च करना मिसाइल को इतना आसान होता नहीं है क्योंकि जब लॉन्च होती है तो शिप का बैलेंस पूरा खराब हो जाता है ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ शिप से कभी भी लॉन्च करोगे ना मिसाइल को सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ये देखो जैसे लॉन्च हुई तो आपने जैसे लॉन्च किया यहाँ पे तो शिप की स्टेबिलिटी थोड़ी वीक होती है उसके बाद ये जाके फिर फाइनली प्रोजेक्टाइल अपना क्लियर कर लेती है इज़ इट क्लियर आई होप इतना समझ आ गया आपको फ़ाइन क्योंकि देखो ब्रह्मोस का फ़ायदा सिर्फ इतना ही है ब्रह्मोस का फ़ायदा और हाँ और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे आई एन एस से जो है वो क्या है एक डिस्ट्रॉयर है हमारा जो आई एन एस से है एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रॉयर शिप है एंड एवरीबडी नो अबाउट दैट तो ये शिप जो है आई एन एस से यू शुड नो अबाउट दैट इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी वन तो यहाँ पे आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू समझ आ गया आपको आई एन एस चेनई एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रॉयर है इनफैक्ट अगर आप इस शिप को देखोगे भी ना तो सबसे अच्छी बात क्या है ये इंडिया में बना है मेजगॉन में भी बना है मैजगॉन डॉक्स जो है वहीं पे बना है और स्पीड भी इसकी ठीक ठाक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कहीं पर खड़ा करके इससे हम लोग मिसाइल को लॉन्च करवा सकते हैं समझ आ गया आई से नहीं चलिए नेक्स्ट वन हम लोग क्या देखते हैं इंडिया रिसेंटली कनेक्टेड अ नाइट वर्जन ऑफ वेट इंजीनियर से डेवलप न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल बताइएगा नाइट वर्जन किसका नाइट वर्जन हमने अभी टेस्ट किया नाइट वर्जन निर्भय पृथ्वी धनुष या अग्नि ये ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है काफ़ी देर से मतलब इट इन लॉट ऑफ न्यूज बताना जरा तो आपको पता है एक चीज़ की मिसाइल्स की बहुत ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हम लोग नेट्रेस लो बनाना चाहते हैं मतलब हम लोग सामने वाली कंट्रीज़ को दिखाना चाहते हैं कि भैया हमारे पास ऑलरेडी वेपन्स हैं एंड यू शुड नॉट थिंक दैट वी डोंट हैव द रिक्वाड नंबर ऑफ वेपन्स तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आंसर इज पृथ्वी पृथ्वी वेरी गुड सो पृथ्वी जो है पृथ्वी द्वितीय दैट इज हावर्टर्ज तो नाइट ट्रायल का मतलब क्या है कि रात को भी हम लोग बोले बेसिकली ट्रायल कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जैसे उड़ीसा की हम लोग बात करते हैं ना वहाँ के कोर्स से हम लोग काफ़ी टेस्ट करते हैं मिसाइल्स को दैट इज हावटर्स ये फाइन सो दैट इज पृथ्वी दैट इज पृथ्वी मिसाइल क्लियर तो आप ये चीज़ मान के चलो कि ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आई होप is क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब एक चीज़ याद रखिएगा अब एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ आर ऑल्सो वेरी मच important। तो पर्सनैलिटी के ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे देयर वी गो बी द नेक्स्ट क्वेश्चन जकिन आर देन हैज़ बिन लेक्टेड प्राइम मिनिस्टर विच द फॉलविंग कंट्री ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये तो सबको पता है जकिंदा आर्डन चिली अर्जेंटीना बेल्जियम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जकिंदा आर्डन सो शी एज एब्सोल्युटली फिनोमिनल इसमें कोई शक नहीं है तो आपको जवाब देना है व्हाट इज़ द राइट आंसर जकिंदा आर्डन सो शी इज़ यंग शी इज़ डायनेमिक एंड दैट्स अ बेसिक आइडिया इन फैक्ट मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर देता हूँ सो दैट यू गेट सम आइडिया अबाउट दिस पर्सनैलिटी ये देखिए यू कैन सी हर पिक्चर सो बहुत सारे लोगों ने इनका न्यूज में भी देखा होगा ठीक है इनके न्यूज वगैरह सब इनके देखी होगी आई एम श्योर अबाउट दैट सो इट इज न्यूजीलैंड तो देखो न्यूजीलैंड एक कंट्री ऐसी है जहां पे वुमेन राइट्स वगैरह को काफी ज्यादा माना जाता है और यहीं पे हम लोग इस तरह की चीजें होते हुए देखते हैं सो so, न्यूजीलैंड हमेशा आगे रहा है जब भी हम लोग राइट्स की बात करते हैं न्यूजीलैंड आगे रहा है जब भी हम लोग वेमन राइट्स को प्रमोट करने की बात करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं वुमन राइट्स को प्रमोट किया ऑल द पीपल वॉचिंग द सेन मेक्स योर लाइकिंग द सेशन एज वेल मेक्स यो एयर लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन एज वेल फाइन सो जिकिंडा आर्डन तो याद रखेगा जे ए जकिंडा आर्डन इन फैक्ट इनको इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कोविड के खिलाफ इन्होंने बैटल बहुत अच्छी की न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज थीं जो कोविड से बची रहीं मतलब जिन्होंने कोविड को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया तो इसी लिए जिकिंडा आर्डन को हम लोग ज़्यादा मान के चलते हैं इज ए क्लियर तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो द नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल जो सी आर पी एफ है जो हमारी सी आर पी एफ फोर्स है इट एज़ साइन एन एग्रीमेंट विद आई आई टी और डी आर डी ओ टू क्रिएट अ पूल ऑफ ऑफिशियल हु विल वर्क टू फाइंड टेक्नोलॉजी फॉर इस ऑपरेशनल चैलेंज तो आई आई बॉम्बे खड़गपुर डेली कानपुर कौन सी आई है बेसिकली कौन सी आई है इसके अंदर तो मतलब अपने जो भी टेक्नोलॉजी की जहाँ पे भी इनको लैकिंग आती है वो फिर उस आई को बोलेंगे इसको पूरा करें तो वो आपको एक तरह से बताना है कौन सी आई है वो इट वॉज़ अगेन इन अ लॉट ऑफ न्यूज़ सो आपको बताना है ज़रा विच आई आई टी इट इज़ इट इज़ एब्सोल्यूटली काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी डेली दिल्ली का जो हमारा आई आई टी है वहाँ पर तो याद रखिएगा इट इज़ आई आई टी डेली क्लियर सी यहां पर देख सकते हैं भारतीय है, प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली टैन सी दैट एवरी वन आई आई टी डेली तो आप यह फोटो से याद रख सकते हैं तो ये सी आर पी एफ जो है सी आर पी एफ को जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी आई आई टी डेली बनाकर देगी उसको एवरीबडी वॉचिंग द सेशन मेक्स यू लाइकिंग द सेशन मेक्स यू शेयरिंग द सेशन सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले दैट्स अ बेसिक आइडिया फाइन अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अल्टीमेटली उससे हमें पता चलता है कि इंडिया में कितनी भूख है कितने लोगों की भूख मिटाने की ज़रूरत है कितने चैलेंजेस हैं उस डायरेक्शन में वो सब हमें पता चलता है तो वो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा देख कर चलते हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो उसी के रिगार्डिंग मतलब अगला क्वेश्चन आ रहा है बिकॉज अल्टीमेटली बिकॉज़ अल्टीमेटली हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना होता है तभी जाके हमें एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव मिल पाता है क्लियर सो यहाँ पे देखिएगा दैट्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, what is india's rank in the global hindi, uh, global hunger index 2020 presented jointly by concern worldwide or welton life bataiye 75 86 89 94 क्या है भारत का रैंक what is the rank which india got हालांकि 100 से पहले बाहर होता था अभी हम बहुत मुश्किल से 100 के अंदर आए हैं बट स्टिल प्रॉब्लम पर्सिस्ट इन इंडिया सो दैट इज द बेसिक आईडिया बताइएगा जरा सो so, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हंगर इज़ अ बिग इशू मैं वही मैं जानना चाह जा रहा हूँ कि सबको ही आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए इट इज़ नाइन्टी फोर्थ ठीक है नाइन्टी फोर्थ रैंक एक सौ सात कंट्रीज़ में पहले तो हम लोग एक सौ दो रैंक पर रहते थे अब इस मैप को देखना है एक बार एवरीबडी लुक एट दिस मैप कैन सी दैट तो आप यहाँ पर इस मैप को अगर देखते हो तो आप देखेंगे जैसे अलार्मिंग रेट जो है हालांकि इंडिया का अलार्मिंग रेट नहीं अलार्मिंग रेट यहाँ पर आएगा जैसे मैडा है सोमालिया और जो बहुत बढ़िया है कंट्रीज जैसे आप यूरोप देखो सारा ग्रीन में है मतलब वहाँ पे भूख नहीं है इतनी भूखमरी नहीं है लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे तो फिर भी सीरियस है हम लोग ठीक है इंडिया पाकिस्तान सीरियस कैटेगरी में आता है म्यंमार वगैरह वी आर सीरियस तो वी नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस प्रॉब्लम ये मैं मैप के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ कि ग्लोबल हंगर इंडियस ट्वेंटी हमें काफ़ी बड़ी एक अलार्मिंग पिक्चर जनरेट करके दे रहा है वी हैव टू टेक इट सीरियसली बिकॉज इफ़ वी डोंट टेक इट सीरियसली वी वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन फाइन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साउथ एशिया की हालत कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं जब भी हंगर की बात आती है भूख अगर आप देखोगे आप कैनेडा अमेरिका वगैरह देखोगे तो दे आर डूइंग वेरी नाइस दे आर डूइंग वेरी वेल चलिए बताइएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियज प्रीमियम कॉटन भारत की एक प्रीमियम कॉटन है उसको क्या बोला जाता है कालाबारी कस्तूरी अमृतसरी या माला प्रीमियम कॉटन भारत की Uh, आपको पता होगा स्मृति ईरानी जी ने इसको लॉन्च किया है बहुत बढ़िया तरीके से सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रीमियम कॉटन है एक बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ कॉटन इसका लोगो भी लॉन्च हुआ था तो आपने आई थिंक वो पूरा सेशन देखा होगा इसके बारे में हमने बात की थी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कॉटन है एक बढ़िया सी मैं फ़ोटो दिखा दूंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा ये एप्सल्यूटली एप्सल्यूटली सो द आंसर इज कस्तूरी कॉटन पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ तो देखो कैन यू सी द लोगो ब्यूटीफुल लोगो देर यहाँ पे क्या लोगो देख पा रहे हैं सब लोग ये दिस इज द लोगो ऑफ कस्तूरी कॉटन दिस इज द लोगो ऑफ कस्तूरी कॉटन सो सी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आपको मतलब ये बस मान के चलना है सिंपल सी चीज़ ये है दैट ये सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए इट शुड बी हंड्रेड परसेंट क्रिस्टल क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस गेटिंग इट तो आप खुद सोचो कसूरी कॉटन का फ़ायदा क्या है पहले तो मैं आपको फ़ायदा गिना दूँ फायदा देखो इन चीज़ों का ये होता है कि आपका एक ब्रांड बन गया जैसे आप सूट खरीदने जाओ सूट खरीदने जाओगे वैन ह्यूसन है लुई फ़िलिप है ये सारे ब्रांड्स हैं तो आप जब सूट खरीदने जाते हो तो आप दुकानदार को कहते हैं कि हाँ मतलब आप शोरूम में जाते हो लुई फ़िलिप के आप बोलते हो कि हाँ इसका अच्छा सूट होगा आप वैन ह्यूसन जाते हो ब्लैकबेरीज जाते हो तो आपको अच्छा लगता है उसी प्रकार कस्तूरी कॉटन भी लोग मांगेंगे कि भैया मुझे कस्ूरी कॉटन दिखाओ तो इंडिया की ब्रांड बन गई है कस्तूरी कॉटन और पूरी दुनिया में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो हम लोग पूरी दुनिया में इस कस्तूरी कॉटन को सप्लाई करेंगे दाट्सा वेटर्स अब बताइएगा जस्टिस, केके पास्ट जस्टिस केके के के उषा पास्ड अवे अभी रिसेंटली जैसे के के उषा की मृत्यु हो गई शी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पिच फिच हाईकोर्ट कौन हाई कोर्ट में पहली बार ये चीफ जस्टिस बनी थी उषा जी काफ़ी इनका नाम है जस्टिस के के ऊषा तो आप बताएंगे केरला मद्रास पटना कैलकाटा कौन से हाईकोर्ट में मतलब हमें इनको देखने का मौका मिला था एज अ जस्टिस बताइएगा जरा चीफ जस्टिस बेसिकली थी ये सन 2000 की बात है 2000 2001 में आई थिंक ये बनी थी वहाँ की चीफ जस्टिस यहाँ मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो इट वॉज़ द केरला कोर्ट इट वॉज़ द केरला कोर्ट वेरी गुड ऑल ऑफ यू सो केरला केरला कोर्ट तो हमने क्या देखा uh, ये आप देख सकते हैं पहले तो जज थी फिर टू थाउजेंड में चीफ जस्टिस बनने का इनको मौका मिला जस्टिस के के ऊषा ऑन योर स्क्रीन एवरी ठीक है ये है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो महिलाएं हैं उनसे डेफिनेटली आप एक प्रेरणा ले सकते हैं दे एक्ट एज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी शुड ऑलवेज टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम ठीक है अच्छा अब यहाँ पे बात क्या आती है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली ये सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है छोटे से आप नोट्स भी बना सकते हो थोड़े थोड़े क्योंकि ओनली वैन यू अंडरस्टैंड ओनली देन यू आर एबल टू अप्लाई अप्लाई तभी आप कर पाएंगे जब आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम चेस जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप होती है ना अभी कौन जीता 2020 में बताइएगा जरा रौनक सदवानी प्रीतु गुप्ता निहाल सरीनियर एन आर विशाख ये चेस की चैंपियनशिप है ट्वेंटी ट्वेंटी जूनियर जो चैंपियनशिप की हम बात करते हैं आप ये सोचिए सोलह साल का एक बच्चा है और आप खुद सोच सकते हैं मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है सोलह साल की उम्र में इतना बड़ा एक नाम अपना बनाना या फोटो देख सकते हैं दैट इज़ द नेम व्हाट्स द नेम इट इज़ निहाल सरीन फ़ोटो में आप क्या देख रहे हैं नहीं? निहाल सरीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको सो so, ये फोटो में आप देख सकते हैं निहाल सरीन ही इज़ जस्ट सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड सोलह साल की उम्र है जस्ट आप देखिए चेस चैंपियनशिप जीत के जूनियर स्पीड ऑनलाइन हुई थी मतलब बहुत तेज तेज चेस खेलनी थी तो इन्होंने सबको तेज चेस खेल के हैरान कर दिया क्लियर इज इट फाइन तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अच्छा अब याद रखिएगा रिजर्व बैंक इज डिसाइडेड टू मूव एन जी टी ए फॉर मैनेजिंग द कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व ए गोल्ड रिजर्व वॉट डज जी स्टैंड फॉर एन एन जी टी ए जी किस चीज़ को स्टैंड करता है बताइएगा जी पे मैं ऑप्शंस आपको दे दूंगा जस्ट जिस ऑन बताइए जरा एनजीटीए में क्या होता है बी जी फॉर नेक्स्ट डैश ट्रेजरी एप्लीकेशन नेक्स्ट डैश ट्रेजरी एप्लीकेशन नेक्स्ट डैश ट्रेजरी एप्लीकेशन सोचो नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरलाइजेशन जर्मिनेशन या ग्लोबल नेक्स्ट तो जनरेशन ही होता है ना भाई तो इट विल बी नेक्स्ट जनरेशन एन जी टी हो तो नेक्स्ट जनरेशन ये तो याद रखिएगा फॉरेक्स में ये नेक्स्ट जनरेशन हम लेके आ रहे हैं एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग फॉरेक्स की हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं फॉरेक्स की गेटिंग इट तो ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं आ, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं विच यू शुड ऑल एब्सोल्यूटली नो मतलब दे आर समथिंग्स

ये बीचेस के लिए होता है अगर आपको पता हो तो बीचेस सी बीच के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं फ्लैग लगाते हैं बहुत बढ़िया सा वो होता है येस आई एम इट्स अ बाइलिंगल सेशन डोंट वरी ब्लू फ्लैग प्रोग्राम तो इसके हेडकोार्टर आपको बताना कहाँ पे है साइल ऑल्सो शो यू नो द काइंड ऑफ द फ्लैग्स विच दे प्रोवाइड इट्स अ वेरी नाइस वन इस तरह के फ्लैग्स आते हैं इसमें ये देखो ये बहुत बढ़िया से फ्लैग लगाते हैं ब्लू फ्लैग का मतलब कि आपका फ्लैग बढ़िया है तो द आंसर इज डेनमार्क कोपन हैगन कोपनगन डेनमार्क ये देखिए सो आई एल जस्ट शो यू द फ्लैग्स इट प्रोवाइड ये देखो ब्लू फ्लैग इस तरह का होता है ये लगने का मतलब है कि आपका टूरिज़म बहुत बढ़िया हो जाएगा आपकी कंपनी में टूर कंट्री में टूरिस्ट आएंगे वो फ्लैग को देखने के लिए वो बीच को देखने के लिए सो इट इस डेनमार्क कोपन हैगन याद रखिएगा ठीक है आप इंडिया में भी देखो गुजरात में दमन दीव वगैरह में ये काफ़ी ब्लू फ्लैग मिले हैं और ये आपको तभी मिलेगा जब आपका बीच स्वच्छ है साफ़ है और आपका बीच टूरिस्ट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है वहाँ पे काफ़ी बेसिक कम्यूनिटीज़ है काफ़ी बेसिक फैसिलिटीज़ है तभी आपको ब्लू फ्लैग मिलेगा ऐसे ब्लू फ्लैग कभी भी नहीं मिलता है ये बात याद रखिएगा दैट इज़ नॉट सो ईजी टू गेट द ब्लू फ्लैग ठीक है चलिए नरेंद्र मोदी की हम लोग बात करते हैं पी नरेंद्र मोदी की बात करते हैं सो ही हैज़ कम अबिथ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वाट दैट थिंग इज़ कि एक ऐसा प्रोग्राम है एक ऐसा प्रोग्राम है उसके तहत क्या किया जा रहा है प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जा रहे हैं प्रॉपर्टी कार्ड्स तो वो कौन सा प्रोग्राम है संपदा स्वनिधि स्वामित्व या समाधान बताइए कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाते हैं प्रॉपर्टी कार्ड्स आई नो गलती से आंसर आई थिंक दिख गया आपको अच्छा इट इज़ स्वामित्व स्कीम अच्छा देखिएगा स्वामी तो स्कीम ये नेशनल पंचायती डे पे लॉन्च तो किया गया था व्हाट इज द मेन यूज यूज बड़ा क्लियर है इसका यूज ये है कि हम अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं हम अल्टीमेटली ये दिखाना चाहते हैं दैट बेसिकली जो लैंड ओनरशिप है वो तो किसको बिलोंग कर रहा है मतलब ओनर्स कौन है लैंड ओनरशिप किसकी है ऑल दीज थिंग्स सो दैट इज सर्टली वेरी मच इंपॉर्टेंट एब्सोल्युटली पंचायती राज डे पे हमने इसको किया था लॉन्च और तब से अभी तक मतलब इसकी लॉन्चिंग हो रही है इसमें हम लोग ड्रोन्स भी यूज़ करेंगे ये बड़ी हाईटेक चीज़ है ड्रोन्स का भी प्रयोग किया जाएगा और उससे मतलब हम इसको और बढ़िया बना देंगे दैट्स अ ब्यूटी ठीक है चौबीस अप्रैल को होता है बिल्कुल कमल चौबीस अप्रैल को होता है क्लियर तो देखो ये जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना यू हैव टू ऑलवेज कीप दम इन द माइंड बिकॉज आप खुद देखेंगे एग्जाम में आर गोइंग टू बी द क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा तो इसको ध्यान में रखना ही होगा क्लियर अच्छा अब याद रखिएगा स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अभी हम लोग जैसे बात करते ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रेंच ओपन टाइटल तो ये एक क्वेश्चन है जो मेरे पास आपके लिए है सबके लिए अ लुक एट दिस क्वेश्चन एवरी वन दज अ गर्ल अ ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल की हम लोग बात करते हैं वो किसने जीता सोफिया कैन ईगा स्वेटेक नॉमी ओसाका या सेलिना विलियम्स बताइएगा ज़रा हु हैज़ वन दिस पर्टिकुलर टाइटल शी हैज़ बीन शी इज नाइनटीन ईयर्स ओल्ड उन्नीस साल की हैं तो आपको ये बताना है फ्रेंच ओपन इट्स नॉट ईजी टूर्नामेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट वन फ्रेंच ओपन 2020 फ्रेंच ओपन वेमेंस टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन एप्सल्यूटली देखो जो भी देखते हैं उनको पता है 19 इयर्स ओल्ड दैट गर्ल इज एंड द नेम इज ईगा शरे शी इज पोलिश टीनेजर और कंट्री को पहली बार दिलाया इट्स अ क्ले कोर्ट और बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे खेलना क्ले कोर्ट में खेलना बहुत मुश्किल है आ, क्योंकि पता होता क्या है नॉर्मल आप कभी भी देखो देखोगे कि देख लो ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लो यू ओपन देख लो यहाँ पे होता क्या है कि आप ना जब बॉल को हिट करते हो बॉल बाउंस लेती है टप्पा खाती है लेकिन फ्रेंच ओपन में होता क्या है कि बॉल वो क्ले के ऊपर ना इतना बाउंस नहीं ले पाती जब बाउंस नहीं ले पाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू है थोड़ा सा इशू है तो मतलब वी रियली नीड द बॉल टू तो बाउंस प्रॉपरली और ये यहाँ पे सबसे बड़ी एक इशू हो जाती है हमारे लिए इज़ इट क्लियर तो यही मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें समझनी होती है इनफैक्ट किंग ऑफ क्ले कोट अगर मैं बताऊँ मेन्स में वो कौन रहता है राफेल नडाल राफा राफा तो राफा जो है ही इज एज हु इज द मास्टर वेन इट कम्स टू द क्ले कोर्ट मैंस में हालांकि और फीमेल में अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में तो चलो अलग अलग हमारे पास आती ही रहती हैं एज अ शीज़ वन होता है तो क्लियर सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज रिगार्डिंग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जैसे टेनिस वगैरह जैसे स्पोर्ट्स इस पर काफी क्वेश्चन आते ही रहेंगे हमेशा क्लियर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे हैव अ लुक एट दिस पिक्चर फर्स्ट कैन सी द पिक्चर वॉट डज इट रिमाइंड्स यू ऑफ इट इज़ एफ वन रेसिंग ठीक है अब हमने क्या देखा ट्वेंटी ट्वेंटी में एफ वन रेसिंग की बात करते हैं तो आईफिल ग्राम ग्रॉपरी होती है नूरोप यहाँ पे नोबर्ग में जर्मनी में होती है तो so, नोबर्ग में होती है तो वो किसने जीती किमी लुई डैनियल मैक्स बताइए ज़रा सो पिक्चर आप देख पा रहे हैं क्लियरली सो so, आपको बताना है वॉट एक्जैक्टली इज़ द राइट आंसर व्हाट एग्जैक्टली इज़ द राइट आंसर बताइएगा ज़रा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली द आंसर इज लुई हेमिल्टन मर्सिडीज का ड्राइवर है ग्रेट ब्रिटेन को बिलोंग करता है यूके को बिलोंग करता है लुई हेमिल्टन इन फैल लुई हेमिल्टन देखो अगर समझना आए ना कहीं पे अगर आपको आंसर करना ही करना है देन एब्सोल्युटली सी लुई हेमिल्टन इज अ गुड चॉइस ऑलवेज बिकॉज लुई हेमिल्टन इज समवन हु इज़ डूइंग रियली वेल अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं बहुत ही बढ़िया लुई हेमिल्टन करके दिखा रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है सो लुई हेमिल्टन इज इन अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन वेट इट्स टू द ड्राइविंग कार स्पेशली एफ वन का और पिछले पिछले छः साल में अगर हम देखते हैं लुहमिल्टन ने अपनी एक बहुत बड़ी जगह बनाई है फाइन अब देखिएगा एनी वेज नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन है यू गो हु वॉन्ट द ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल कौन जीता शुमा का देखो शुमा का तो बीमार हो गया ना प्रॉब्लम यह राफा नोवाक डोमिनिक और रॉजर फेडर ज़रा वॉट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर अब देखो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की तो देखो ज़रूरत है नहीं मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता ही चुका हूँ दिस इज द पर्सन कैन यू सी ऑन द स्क्रीन वॉट इज हिज नेम हिज नेम इज़ हिज नेम इज़ राफेल नडाल राफा वी कॉल एम राफा ही इज द किंग वेन इट कम्स टू द क्ले कोट फ्रेंच ओपन में क्या होता है क्ले कोट होता है क्ले क्ले कोर्ट तो वहाँ पर राफा ही है चैंपियन हमेशा तो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया राफा इज इट क्लियर तो यहां पे देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको ही छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको अब क्वेश्चन आएगा अगर हम बात करते हैं जैसे रोलन गैरो रोलन गैरस वो क्या है तो अल्टीमेटली वही है एक ही बात है फ्रेंच ओपन को ही हम लोग बोल देते हैं दैट्स हाउ इट इज क्लियर तो यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो पता होनी चाहिए दे आर सर्टली वेरी मच इम्पोर्टेंट और एक बात और जान लीजिएगा कि हम जैसे राफा नडाल को बात करते हैं मेन्स में वैसे क्रिस एवर्ट एक है जो विमेन में हम लोग बात करते हैं इन्होंने फ्रेंच ओपन मतलब काफ़ी जीते हैं लेकिन ये नाइनटीन सेवनटीज़ एटीज़ में खेलती थी क्रिस एवर्ट तो ये मैं आपको बता देता तो हूँ हालांकि इतना फेमस नाम नहीं है क्रिस एवर्ट तो जैसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट अगर आप बोलते हो क्रिस एवर्ट को नाइनटीन सेवेंटीज़ एटीज़ की है ये तो आप क्वीन बोल सकते हो क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइटल जीते हैं वैन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग इज इट क्लियर तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो ये सारी की सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं यू हैव टू कीप देम इन माइंड ऑलवेज इज इट क्लियर तो उस समय क्वीन कह सकते हो इनको क्रिस अवॉर्ड बहुत सारे जीतती थी टाइटल बैक टू बैक बैक टू बैक इन्होंने काफी सारे टाइटल्स को हिट किया उस समय क्लियर है इतना एनी डाउट यू हैव यू कैन लेट मी नो सो आई होप यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ द सेशन बिकॉज दीज आर द देशन विच आर श्योरली गोइंग टू बूस्ट योर ओवरऑल ओवरऑलेशन आपकी जो ओवरऑल प्रेपरेशन है उनको इन्हीं सेशन से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है विच वी ऑलवेज ट्राई टू गिव चलिए जी अगले पे आते हैं द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज अकॉर्डेड टू पॉल आर मिलोग्राम एंड विल्सन ये इंप्रूवमेंट टू विच ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी ये मिला है मतलब क्यों मिला है बेसिकली इनको ये मेरा सवाल है हमने दे दिया इनको चलो अच्छी बात है पर क्यों दिया वो अग, अलग क्वेश्चन है मेरा आपके लिए बताइएगा ज़रा ऑप्शन थ्योरी है मार्केट सोशलिज्म है क्या है बेसिकली दे आर ग्रेट इकोनमीज नो डाउट अबाउट इट बट क्यों मिला कौन से थ्योरी के ऊपर काम किया अब इस तरह के क्वेश्चन देखो आ सकते हैं दीज आर द कांड ऑफ द क्वेश्चन विच कैन शोरली एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन फॉर श्योर तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा इट एज ऑप्शन थ्योरी आप कभी देखेंगे ऑप्शन थ्योरी पर इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया है सो यू कैन हैव अ ल लुक ऑप्शन थ्योरी इज द राइट आंसर यानी सी दैट एवरी वन तो यहाँ पर मैं ये जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको यू कैन हैव अ ल लुक सो वॉट इज़ दैट इंप्रूवमेंट टू द ऑप्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन न्यू ऑप्शन फॉर्मेट्स नीलामी कहते हैं हम लोग हिंदी में नीलामी नीलामी मतलब क्या ऑप्शन तो ऑप्शन करने की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है ऑप्शन थ्योरी सिंपल अति सिंपल क्लियर समझ आ गया इतना तो यहां पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दे आर सर्टली वेरी मच इंपॉर्टेंट क्लियर चलिए अब यहां पे एक बैंकिंग का क्वेश्चन मैं आपको डालता हूं देखिएगा ज़रा बैंकिंग का क्वेश्चन दे रही है स्क्रीन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की जब हम बात करते हैं दे लॉन्च द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ए पी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बिटवीन द पी एम स्वनिधि पोर्टल एंड ई मुंद्रा पोर्टल ऑफ विच बैंक कौन से बैंक के हम लोग बात करते हैं पी एन बी एस बी आई बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंक बताइए जरा कौन से बैंक के हम लोग बात कर रहे हैं इट इज नाउ आई नो इट्स इट सबमिट फैक्चुअल क्वेश्चन सोचिए और आंसर कीजिए देन आई टेल यू द राइट आंसर बिट फैक्टुअल इन नेचर आई नो दैट एब्सल्यूटली बहुत बढ़िया काफी सारे लोग सही जवाब दे रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह के आंसर देखो एस बी आई होते हैं ज्यादातर तो एस बी आई ही होते हैं इस तरह के राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेरी गुड नेक्स्ट वन एज पर दिपोर्ट ऑफ एफ आई एस विंग्रीज बिकम द ग्लोबल लीडर इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद फोर्टी वन मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे मतलब किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल हो रही हैं कौन सी कंट्री है जा जहाँ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पैसा फ्लो कर रहा है इधर से उधर बताइएगा ज़रा बहुत ही सिंपल सी चीज़ है अब आप खुद दिमाग लगाइए एक ऐसी कंट्री जो कैशलेस होने की तरफ बढ़ रही है लगातार लगातार आगे उस कंट्री के हम लोग बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली सो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग वी आर लुकिंग एट इंडिया हमारा अपना भारत इंडिया इज़ द राइट आंसर नाउ आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इंडोनेशिया बट दिस इज़ इंडिया तो हम एफ एस जब भी रिपोर्ट देखते हैं तो उसने ये बात बोली है दैट सर्टनली इंडिया इज बिकमिंग द ग्लोबल लीडर एन इट कम्स टू द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इंडिया ग्लोबल लीडर है अब देखिएगा सीत मिला नतीबा एक पोइट्री वर्क है तो यहाँ पे मतलब किसको एक सरला पुरस्कार दिया गया इसके लिए रंजीत कुमार नाग श्याम सुंदर पटनायक नित्यानंद नायक शत्रुघ्नपन पांडव या जगन्नाथ प्रसाद दास ये एक बहुत ही खास चीज़ है अगर हम बात करते हैं उड़िया वगैरह की तो आपको ये सही जवाब देना होगा ही सब उड़िया पोइट मैं इतना हिंट दे, दे देता हूँ आपको उड़िया के पोएट हैं ये आ, मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी ही दिखा सकता हूँ जिसको थोड़ा सा भी आइडिया चाहिए इट इज़ नित्यानंद नायक श्रीमान नित्यानंद नायक को अवार्ड मिला है आई नो इट्स अ फैक्चुअल वन तो नित्यानंद नायक है उड़िया ये सी इज़ द राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर एवरी वन आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो कुल मिला के देखो चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं बट हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होता है अब नोबल प्राइज़ की जब बात हो ही रही है तो नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर भी पूछ लेता हूँ मैं हुज़ बिन अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी लिटरेचर में नोबल प्राइज किसको मिला है अभी अहमद लुई ग्लक ऑलगा या पीटर अब देखो नोबल प्राइज तो आपको सबको रटे हुए होने चाहिए नोबेल प्राइज जो है और द बेस्ट पार्ट इज कि दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो उसी तरह से मतलब मैं एक ये क्वेश्चन डाल रहा हूं बताइए जरा हुजिन अवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर थिंग इट इज बिल्कुल सो आप देख सकते हैं अमेरिकन है इट इज लुई ग्लक यू कैन सी द पिक्चर शी इज अ वन अमेरिकन पोएट है और इन्होंने बहुत बढ़िया अपनी पोइट्री से सबको इम्प्रेस किया है सबका दिल जीता है एंड सर्टनली शी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्लियर तो कहीं ना कहीं हमें मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए एंड दैट इज़ वाई वी आर ऑलवेज फोकसिंग अपॉन दैट नाइसली क्लियर हो गया इतना चलिए जी अगले पे चलें नेक्स्ट वन विच ग्रूथ द पर्सन वन द केमिस्ट्री नोबल प्राइज 2020 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज 2020 किसको मिला अब ये तो आपको देखो सबको पता ही होना चाहिए केमिस्ट्री नोबल प्राइज हर हर नोबल प्राइज आपको आइडिया एक होना चाहिए जरूरी है वो एवरी नोबेल प्राइज यू आर सपोज टू नो एवरी वन ओके 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 जी ऋषभ थैंक यू जी थैंक यू बताइए एब्सोल्युटली द आंसर इज जेनिफर और मिस्टर एमानुअल कॉपेंटर सी तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जीन एडिटिंग की हम लोग बात करते हैं ना जीन एडिटिंग तो जीन्स को कैसे एडिट करना है उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं ये सब क्वेश्चन जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमें बस इतना ही याद रखना है कि हाउ डू यू टैकल दिस क्वेश्चन आप किस तरह से टैकल करते हैं इन क्वेश्चन को उतना जानना है आपको उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है फाइन एनी वेज नाव वी हैव मैं वही वह बता रहा हूँ अल्टीमेटली जैसे हम लोग बात करते हैं एस बी आई की तो एस बी आई अपने आप एक बहुत बड़ा बैंक है इसमें कोई शक नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ बिग बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब भी बात की जाती है तो उनके जो चेयरमैन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ़ यू चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के बारे में एक क्वेश्चन है हैव अ लुक एट दिस नाउ ही इज़ अ पर्सन मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ सो इज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन फॉर द थ्री ईयर्स पीरियड आपको बताओगे बैंक बोर्ड होता है वो बेसिकली अपॉइंट करता है श्री कृष्ण चरणजीत सिंह अत्रा ए के दिशा मुरली रामाकृष्ण फोटो देख सकते हैं आप फोटो आप देख सकते हैं उसके बाद बताइएगा लेकिन हैव लोक कैट पिक्चर एवरी वन सो यू शुड नो दिस पर्टिकुलर थिंग बताइए वॉट इज द नेम ये काफी न्यूज में रहा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ एस बी आई के साथ जुड़ी हुई जो भी चीज होती है वो काफी न्यूज़ में आ जाती है सो दैट इज द रीजन आई हैव पुट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एवरी वन चलिए बहुत बढ़िया द आंसर इज सी चरणजीत सिंह अत्रा ठीक है फाइन चलिए नेक्स्ट वन अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाट इज दैट दैट्स अ बिग पेट्रोल बोट ठीक है अब आपको बताना है बेसिकली इसका नाम क्या है पेट्रोल बोट का सो so, जो हमारा पेट्रोल बोट स्पेशल है एक पोर्ट ऑफ चेन्नई के ऊपर हमने अनवील किया है इसको तो हम तो आपको बताना है इसका नाम है अरिहंत विग्राह सिंधु कोशा कलवारी क्या है इसका नाम एक प्रॉपर हमारा पेट्रोल वैसल है बताइए व्हाट इज द राइट आंसर नाउ दीज द कांड क्वेश्चन यू कैन श्योरली एक्सपेक्ट यू नो एवरी वे एंड दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू ऑल ऑफ दम बताइए जरा एब्सोल इट इज विग्रह इट इज विग्रह ये ये पेट्रोल बोर्ड है हमारी ये हम किस काम आती है पेट्रोल पेट्रोलिंग के काम आती है कहीं पर भी गश्त लगानी हो वहाँ पर काम आती है इस तरह की चीज़ें दच्छाओ इट इज विग्रह तो आपको बस याद आपको क्वेश्चन कैसा आएगा या तो पूछ लेगा विग्राह क्या चीज़ है uh, मतलब किसी भी तरह से पूछ सकते हैं ना किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं माइंड विच ग्रुप ऑफ पीपल वन द फिजिक्स नोबेल प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी किसने जीता है ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी चलिए बताइए ज़रा अब आपको ये बताना है नोबेल प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी फिजिक्स में अब फिज़िक्स की बारी है बाकी तो हमने कर लिए बताइएगा ज़रा सो द आंसर हैज़ एब्सल्यूटली रॉजर पेंड्रोस गेंजेल एंड घेस सी मैं यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ आपको ये देखेगा फिजिक्स में हमने क्या देखा ये अवॉड किया गया ब्लैक होल के लिए ब्लैक होल होता है ना ब्लैक होल ब्लैक होल एक ऐसे चीज़ होती है स्पेस के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि वो सारी चीज़ों को अपने अंदर आकर्षित करना चाहती है दैट इज दिन आइडिया क्लियर सो so, ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट सर्टली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड वी हैव टू कीप दम इन द माइंड ऑलवेज इज इट क्लियर अच्छा अब एक चीज़ याद रखिएगा जैसे हम लोग रोबोटिक्स की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि हम लोग आ, यहाँ पे बात करते हैं रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन एट द सेम टाइम रोबोटिक्स से बहुत जॉब लॉस की भी बात आती है बट एनी वेज अ डिफरेंट थिंग अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू सेंड वर्ल्ड फर्स्ट माइनिंग रोबोट नेम एस्ट्रॉड माइनिंग रोबोट इन द स्पेस एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट है जिसको स्पेस में भेजने की प्लानिंग हो रही है एस्ट्रॉयड को माइन करने के लिए तो ये एक सेटलाइट की तरह होगा एस्ट्रॉयड्स को माइन करेगा ऊपर जाके उनके अंदर माइनिंग करके देखेगा कि अंदर क्या है तो यू रशिया फ्रांस चाइना बताइए कौन सी कंट्री है जहाँ पर मतलब ये पूरी प्लानिंग हो रही है कि हम लोग माइनिंग कर देंगे उसकी उठा के वॉट इज द राइट आंसर टू ऑल ऑफ यू आपसे ऐसे टेढ़े मेढ़े काम कौन करता है चाइना करता है ऐसे उल्टे उल्टे काम कौन करता है चाइना तो आप देखेंगे बीजिंग बेस्ड कंपनी है स्पेक्ट्रम वहाँ पर मतलब ये कर रहे हैं एक छोटा सा स्पेस बनाएंगे वो ऊपर लेकर जाएंगे और फाइनली वहाँ से भी माइनिंग करनी शुरू कर देंगे दैट इज़ वॉट इज डन बाय द चाइना आप ठीक है अच्छा अब देखेंगे हम जब बात करते हैं फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात करते हैं तो उसका अवार्ड किसको मिला ये सबको मैं चाहता हूँ कमेंट करके बताएंगे सब लोग आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट एंड लेट मी नो दिस पर्टिकुलर थिंग एवरी एवरी वन नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जब आप आंसर करेंगे तभी आपकी क्लैरिटी बनेगी प्रॉपर टिल द टाइम यू डोंट आंसर सच क्वेश्चन यू वॉन्ट हैव द क्लैरिटी और रिविजन आपके साथ के साथ मैं करवा रहा हूँ मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ रिविजन साथ के साथ ही हो जाए दैट्स अ बेस्ट वे एनी वेज लेट बी टेल यू वन थिंग द आंसर इज सी ऑल्टर हुक्टर्न एंड वाइस ये याद रखिएगा जब हम बात करते हैं जैसे इन्होंने क्या किया हेपेटाइटिस सी वायरस था ना एक हेपेटाइटिस सी हो जाता था लीवर को खराब कर देता था उसके ऊपर काफ़ी काम किया है और वहां से मतलब हम इसको पिक करके देखते हैं फाइन दैट्स हाउ इट एनी वेज सो यू डॉन ब्रिलियंट जॉब ऑल ऑफ यू आई अप्रिशिएट दैट एंड मेक श्योर यू लाइकिंग द सेशन हु एवर इज वॉचिंग द सेशन जिसने भी कुछ गेन किया लाइक like करो शेयर करो एंड यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज डिफेंस एग्जाम प्रैप इन ऑर्डर टू जॉइन ऑल द पीपल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन यू कैन बी वन ऑफ दैम

And it was great having this session with you. Thank you so much. And Jai Hind everyone. Jai Hind to all of you. Me, Akash and my entire defense team signing off with this particular thing. Thank you so much. Thank you so much.